सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर किस चीज को कहते हैं। इन दोनों अल्फाज को समझने के लिए आपको इन दोनों अल्फाज की माना आनी चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं मैग्नीट्यूड पर। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो वेट है वो है 50 kg। इधर 50 क्या हुआ? ये नंबर है। तो नंबर यानी ये इसका मैग्नीट्यूड है। कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और केजी इधर यूनिट हुआ। मैं फिर से बताता हूँ कि सपोज करें मेरा वेट 50 kg है। इधर 50 क्या है? 50 मैग्नीट्यूड है और केजी यूनिट है। और फिर आते हैं डायरेक्शन पर। हम नॉर्मली कहते हैं कि डायरेक्शन इन द ईस्ट, डायरेक्शन इन द ईस्ट, डायरेक्शन इन द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी किसी भी चीज़ की डायरेक्शन। तो इन दोनों अल्फाज को समझने के बाद हम आएंगे इन दोनों पर, इन दोनों की डेफिनेशन पर, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ एक प्रॉपर यूनिट हो उसे हम स्केलर कहते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ प्रॉपर यूनिट हो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो हो लेकिन डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डेफिनेशन बता रहा हूँ। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंटेन मैग्नीट्यूड अलोंग विद एप्रोप्रिएट यूनिट इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। और द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंटेन मैग्नीट्यूड अलोंग विद यूनिट विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आते हैं स्केलर और वेक्टर के एग्जांपल्स पर। हमारे पास एक है डिस्टेंस जो कि स्केलर है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क है जो कि स्केलर है। टेम्परेचर है जो कि स्केलर है। फिर आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पर। हमने डिस्प्लेसमेंट का वर्ड सुना है, वो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इन सब में डायरेक्शन भी शो की गई है। दूसरा है हमारे पास वेलोसिटी, इसका एक्सप्रेशन। तो फिर एक्सेट्रा, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके एग्जांपल। तो स्केलर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉर्मल अर्थमेटिक रूल के हिसाब से, जो हम नॉर्मल अर्थमेटिक यूज करते हैं उसी रूल के हिसाब से हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर को भी हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और एडिशन कर सकते हैं, लेकिन इनकी अलग एक अलजेब्रा है जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। इनकी अलग से एक मैथमेटिक्स है जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर है। तो वेक्टर को हम दो तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबलिकली और एक ग्राफिकली। सिंबलिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम वेक्टर के ऊपर एक एरो दे देते हैं। सपोज करें हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, हमें इसको वेक्टर में करना है, हमें कैसे पता चले कि ये वेक्टर है? तो हम इसके ऊपर एरो देंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद हम किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम उधर डबल लाइन दे देते हैं इसकी लेफ्ट और राइट साइड पे। फिर हमें पता चलेगा कि ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये जो है ये उसका वेक्टर हमें बताता है कि ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है, कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिंबलिकली है। हम इसको बोल्ड भी लिखते हैं, इटैलिक भी लिखते हैं, अंडरलाइन भी लिखते हैं वेक्टर्स को। फिर उसके बाद आता है ग्राफिकली। तो हमने एक सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास एक ग्राफ सिस्टम भी है जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, कोऑर्डिनेट का एक ग्राफ होता है पूरा। तो हम इस ग्राफ में वेक्टर को कैसे शो करें? तो ये इसकी जो एक्सिस होती है, इधर से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो इसकी लाइन होगी, ये लाइन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगी। ये जो पूरी इधर से इधर तक लाइन होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगी। और जो हेड ऑफ द एरो होगा वो इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा, हेड ऑफ द एरो वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा।
मैं सिंपली करके अलग से बता रहा हूँ कि सपोज करें ये एक वेक्टर है, ये एक लाइन ये वेक्टर है, इस लाइन में ये पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर्स इंचेस मीटर्स की बनी हुई है वो सारा उसका मैग्नीट्यूड होगा, और जो हेड ऑफ द एरो जिस डायरेक्शन में होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। इसी तरह ही ग्राफिकली उसको वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेक्टर्स को हम एड भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले वेक्टर को हम हेड टू टेल रूल के जरिए एड कर सकते हैं। वो कैसे, सपोज कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, और वेक्टर बी भी हमें दिया गया है, वेक्टर बी। तो इन दोनों को हम एड कैसे करेंगे, हमें हेड टू टेल रूल लेना होगा। वो कैसे कि पहले जो पहला वाला वेक्टर था ए वाला, उसका जो हेड होगा वो बी वाले वेक्टर के टेल के साथ अटैच होगा। इसी तरह इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। तो ये दोनों अटैच हो गए। उसके बाद अभी हमारे पास एक फाइनल वेक्टर निकलेगा जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर हम किस चीज को कहते हैं, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलते हैं तो एक फाइनल वेक्टर बनता है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह बनता है कि पहले वाला जो वेक्टर था उसके टेल के साथ टेल मिलानी है और लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ हेड मिलानी है। इसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि एडिशन होती है ए वेक्टर ए की और वेक्टर बी की एडिशन होती है। तो इसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। और वेक्टर की एडिशन दो तरीके से होती है असल में, वो है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिससे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का जब हम ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। जैसे ये वेक्टर बी हुआ, ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर निकला। इसको हम इस जॉइनिंग को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, लेकिन इस तरह की एडिशन को हम ट्रायंगल लॉ कहते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इस तरीके की जॉइनिंग को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं कि हेड के साथ टेल मिले। इस तरह की जॉइनिंग को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, लेकिन इस तरह की एडिशन को जो हमने वेक्टर्स को ऐड किया इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास जो सेकंड लॉ है वेक्टर एडिशन का वो है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें जो वर्ड पैरेललोग्राम है वो एक शेप है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ये जो शेप बनता है इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इस तरीके की शेप बने वेक्टर एडिशन में तो हम उसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। सपोज कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले इन्हें जॉइन करेंगे, ये इधर ए लगाएंगे और बी लगाएंगे, इधर हेड टू टेल रूल नहीं होगा। इधर हमने ए लिखा, इधर हमने बी लिखा। तो इसके बाद हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वही मैग्नीट्यूड हम इधर लगाएंगे, ये पूरा इधर कर देंगे। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड बी का होगा वो हम मैग्नीट्यूड इधर लगाएंगे, जो मैग्नीट्यूड ए का होगा वो इधर लगाएंगे, जो बी का होगा वो हम इधर लगाएंगे। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम इस हिसाब से, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। ये हमारे पास इस तरह शेप था, ऐसे बन गया, बिल्कुल इस तरह बन गया। तो अभी इसको ऐड कैसे करना है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर में किस तरह निकालना है वो हम निकालेंगे। इसका डायग्राम बनाएंगे, जैसे ये एक्सिस पॉइंट है तो इधर से डायग्राम बनाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये बीच वाली जो डायग्राम लाइन बनी यही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसको हम लिखेंगे इधर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड एडिशन ऑफ वेक्टर बी। तो इसे कहते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर की एडिशन तो हो गई, अभी आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। तो हमने टॉपिक लिखी है इधर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का नेगेटिव कैसे होता है। अभी सपोज कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, तो इसका हमें नेगेटिव निकालना है। वो कैसे होगा,
नेगेटिव में हमेशा हमारे पास मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन की रिजर्वमेंट होगी। अगर ईस्ट में होगा तो वेस्ट में करना पड़ेगा, साउथ में होगा तो नॉर्थ में करना पड़ेगा। जैसे देखा कि ये हमारे पास वेक्टर ए मिला है, हमें वेक्टर ए हमें इसका जो है नेगेटिव करना है। वो कैसे करेंगे, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रखेंगे जैसे पहले था, जस्ट इसकी जो डायरेक्शन है हेड ऑफ द एरो है वो अपोजिट कर देंगे। तो इसे कहते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन भी अभी हो गई, अभी आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लाई हमें कैसे करना है कि हमारे पास सपोज करें वेक्टर ए है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, तो इसका एक अलग से फॉर्मूला है। वो कैसे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो क्या होता है, वो बराबर होता है एम और एम टाइम्स ए। हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है या फिर जो न्यू वेक्टर निकलेगा हमारे पास उसका वैल्यू क्या होगा, एम टाइम्स ए होगा। ये जो a है इसका m टाइम्स होगा। वो किस तरह, जिसे हम कहते हैं ये वेक्टर a है इसका हम m जो वैल्यू दे रहे हैं वो 2 है, m वैल्यू 2 है। तो हम क्या करेंगे कि जो a का मैग्नीट्यूड होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे m के वैल्यू से। फॉर एग्जांपल ये जो एरो है वो 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो ये जो m का वैल्यू 2 है हमारे पास * 5 सेंटीमीटर तो टोटल होगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो न्यू रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा वो होगा 10 सेंटीमीटर का। तो मल्टीप्लाई हो गया 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, चाहे वो 3 हो, एम का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे देखा हमने 5 को हमने 2 टाइम्स किया तो 10 आया, और 10 का एक न्यू रिजल्टेंट वेक्टर बनाया जो कि एम टाइम्स ए था। तो इसे कहते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन में हम पढ़ लिए डिवीजन पढ़ेंगे, अभी इसको भी इसका भी खुद का एक फॉर्मूला है। वो क्या कि फाइनल जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो बराबर है 1/m टाइम्स a। अभी मेरे पास वेक्टर a दिया गया है और मुझे कहा गया है कि जो m का वैल्यू रखे हैं आप वो 2 रखें, और वेक्टर a जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। सपोज करें वेक्टर a 4 सेंटीमीटर का है और हमारे पास m का जो वैल्यू है वो 2 है, तो वैल्यू उसमें पुट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर is equal to 1/m का वैल्यू 2 रखा है, a का वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो डिवाइड कर ले आंसर आएगा 2 आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा 2 सेंटीमीटर। तो फाइनल जो रिजल्टेंट की जो लाइन बनाएंगे वो क्या होगी 2 सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। तो इस तरह हम कहते हैं ये डिवीजन ऑफ वेक्टर है। लेकिन हमारे पास कंडीशन होती है एक कि कभी कभी हमें इधर नेगेटिव में भी वैल्यू दे देते हैं नेगेटिव में, तो सब कुछ बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ हमें करना क्या होगा कि डायरेक्शन जो हमारी वो चेंज करेगी। जैसे मैंने नेगेटिव हो वेक्टर में बताया कि डायरेक्शन सिर्फ रिजर्व हो जाएगी अगर नेगेटिव नेगेटिव नंबर हो एम का इस हिसाब से। तो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर के टाइप्स। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन मेनली वेक्टर के 4 टाइप्स हैं, यूनिट वेक्टर, प्री वेक्टर, पोजिशन वेक्टर और नल वेक्टर। तो हम एक एक को डिस्कस करेंगे अलग से। तो सबसे पहले सबसे पहली टाइप वाली वेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो आप देख रहे हैं ये वर्ड यूनिट है, मींस वन। जैसे हम कहते हैं यूनिटी, इतिहाद, इतिहाद मतलब क्या है, एक होना यानी वन। इसके बाद तो इसके डेफिनेशन क्या है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ वन हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है उसको डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है, ये अपने 3 कंपोनेंट देता है आई जे और के। हम यूनिट वेक्टर को शो कैसे कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है। सपोज कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है उसको हम कैसे शो करें, ये यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर हम टोपी का निशान देंगे, कैप, इसके ऊपर कैप का निशान देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये इसका यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जो है इसका एक फॉर्मूला भी हमारे पास, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, वेक्टर ए जो है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर है जो डायरेक्शन करता है शो, उसके बाद ये मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर कैसे मालूम होता है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम जब डिवाइड करते हैं तो हम यूनिट वेक्टर मिलता है। इसका दूसरा फॉर्मूला बनता है इसको शो करने के लिए कि हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर दिया गया हो तो हम इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फाइनल क्या आंसर आएगा कि
ये उसका वाजल आंसर है, हम इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, मैंने बताया पहले कि हमारे पास तीन कंपोनेंट भी दिए गए हैं, आई जे और के। ये तीनों कंपोनेंट जो है वो थ्री एक्सिस, हमें पता है कि जो हमारी अंतर अर्थ के अंदर हमारे पास टू डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, लेकिन लेकिन जो स्पेस में हम जाते हैं तो उधर हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स, थ्री जो एक्सिस है, एक जेड एक्सिस भी है हमारे पास। तो आई जो है वो एक्स एक्सिस को शो करता है, जे वाई एक्सिस को शो करता है, और जो के है वो जेड एक्सिस को शो करता है। ये तीनों हमारे पास डायरेक्शन के लिए काम करते हैं, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं किसी भी वेक्टर के हिसाब से। तो हम पढ़ेंगे कि अभी वेक्टर की दूसरी टाइप, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को इतना डिफाइन नहीं किया गया बुक में, हमारे पास एक ही आता है कि फ्री वेक्टर जो है वो खुद हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं कभी इस तरफ जा रहा हूँ, कभी इस तरफ जा रहा हूँ, मैं मुझे डायरेक्शन का पता है लेकिन मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, डायरेक्शन डायरेक्शन ऐसे ही घूम रहा हूँ, यानी वो वेक्टर हर जगह डिस्प्लेस हो रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो वेक्टर हर जगह डिस्प्लेस हो रहा है, मैं उसको नेगलिजिबल कह रहा हूँ, तो हम उस वेक्टर को कहते हैं फ्री वेक्टर, जो कि हर जगह डिस्प्लेस होता है। जैसे मैं इधर जाऊँ, मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करते करते कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, तो ये जो मैं घूम रहा हूँ ऐसे बगे सोच में जो वेक्टर हमारे पास बन रहा है उसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर की थर्ड टाइप, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नाम से जाहिर है पोजीशन, किसी भी वेक्टर की पोजीशन जानने के लिए किसी ग्राफ में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है जहां वेक्टर है, तो इस पोजीशन को ग्राफ के जरिए हम कैसे फाइंड करें, तो ये सारा बता रहा है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि किसी भी ग्राफ में किसी भी पॉइंट को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं थ्रू अ वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। तो आते हैं हम अपनी लास्ट टाइप इसकी वेक्टर की, जिसका नाम है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नाम से पता चल गया कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, उसको वेक्टर कहते हैं। इन रियल सेंस अगर आप देखें कि मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब उसका कोई डायरेक्शन भी नहीं, तो ये वेक्टर हुआ ही नहीं इन रियल सेंस। लेकिन बुक में जो लिखा है हम उस तरह पढ़ेंगे इसको कि नल वेक्टर क्या है, कि वो वेक्टर जिसका जो है मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए ए सेंटीमीटर का, वेक्टर ए जो है वो है 2 सेंटीमीटर का, और वेक्टर बी भी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, वो भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का। तो हम अगर इन दोनों को जो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इसका मतलब ये माइनस में है, अपोजिट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव को माइनस में शो करते हैं हम, तो ए माइनस बी इक्वल हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। उसके बाद ए जो हमारे पास मिला है वो 2 है, बी भी 2 है, तो फाइनल 2 2 - 0 हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका 0 आया, इसको हम कहते हैं नल वेक्टर है या फिर ये कहते हैं कि 0 वेक्टर है। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हमारे पास दो लॉज है, एक कम्यूटेटिव लॉ है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ, नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम हमने इक्वेशन पढ़ी है कि ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। हमने क्या करना है कि थ्रू डायग्राम हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी है कि वेक्टर की जो एडिशन होती है उसमें ये लॉ अप्लाई होता है नहीं होता, इसमें ये लॉ अप्रूव्ड है या फिर ये लॉ वैलिड है या वैलिड नहीं है, थ्रू डायग्राम हम इसको हल करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था इसी तरह हम इसको भी इधर रखेंगे। ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, तो हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। ये ए इधर था, ऊपर पे हम सेम ए रखेंगे, और ये जो बी था इधर भी हम सेम बी, बी जैसा जो होगा सेम वो रखेंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद हमें रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है, वो इधर से हम ये डायगोनल लाइन बना ली रिजल्टेंट वेक्टर का। तो हम अगर इधर देखें कि r इज इक्वल टू b इनटू a, ये b और a की होगी ना, ये सारी लाइन है b a, b इनटू a, और नीचे देखें a इनटू b होगी, r इज इक्वल टू a इनटू b। तो हमारे पास इक्वेशन थी कि b इनटू a इज इक्वल टू a इनटू b, ये होगी प्रूफ।
होगी ना प्रूफ, अब देख सकते हैं कि कैसे हमने इसको निकाला है थ्रू पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से। तो अभी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ के एक वैल्यू था हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। हमें इसको प्रूव करना है। हमारे पास चार वेक्टर्स थे, तीन वेक्टर्स थे ए बी और सी। हमने इसको डायग्रामेटिकली डायग्रामेशन रखा, फिर हमारे पास इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने के लिए एक रिजल्टेंट वेक्टर था जो लगाया हमने। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर क्या आया कि ए प्लस बी जो आया वो सी के था, इधर ये भी सी है। उसके बाद बी प्लस सी जो था वो भी हमारे पास ए के बराबर आ गया। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। The splitting of a vector into its rectangular component is called as resolution of a vector. जब हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उसे हम कहते हैं resolution of a vector. अभी हमारे पास वेक्टर ए है, इसको जब हम ब्रेक करते हैं, इसको कंपोनेंट्स से कितने निकलते हैं, एक x कंपोनेंट होता है जिसे मैंने पहले बताया x एक्सिस के साथ है, दूसरा होता है y कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट मिलके ही एक पूरा वेक्टर बना देते हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के हमें इक्वेशन निकालनी है थ्रू अ ग्राफ। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हम वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर हम इधर देखें, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस, या फिर हम इसको ही कहेंगे ये उसका y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। अभी ये जो वेक्टर a है इसको कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे, उसके नीचे एक लाइन देंगे जो इसका x एक्सिस होगा, इसको हम ax कहेंगे। उसके बाद जिसकी इस साइड पे हमारा दूसरी लाइन बनाएंगे उसको हम कहते हैं y एक्सिस, हम ay कहते हैं, और बीच में जो एंगल बनेंगे उसको कहते हैं हम थीटा। तो अभी हम ए एक्स का और ए वाई का निकालेंगे। तो एक्स एक्सिस का जो फार्मूला निकालेंगे हम कि ए एक्स जो है ये सामने इसके ए परपेंडिकुलर, तो हम निकालेंगे ए एक्स एक्स एक्सिस के बराबर इसके बराबर है इक्वल टू ए। उसके बाद हम लगाएंगे कॉस थीटा। हम कॉस थीटा क्यों लगा रहे हैं, हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ कॉस थीटा लगाते हैं और वाई एक्सिस के साथ हम क्या लगाते हैं साइन थीटा। तो मैंने लिखा इधर जो y है वो होगा ए वाई, जो होगा कंपोनेंट होगा वो क्या होगा a sin थीटा के बराबर। तो इस हिसाब से ये इसके फॉर्मूला होंगे a x के और a y के। तो अभी हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसकी सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वो क्यों कि जब हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनल वेक्टर जब हमारे पास वेक्टर आ जाता है, जब हम किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल वेक्टर हमारे पास स्केलर आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या फिर द स्केलर प्रोडक्ट। सपोज करें हमारे पास इसका एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है कि वर्क, हमने वर्क सुना ना, वर्क जो उसका फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या बनता है वर्क बनता है। तो हमें पता है कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, यानी जब दो वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया फाइनल आंसर में हमने स्केलर क्वांटिटी आई, उसे हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको एफ डॉट डी लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट भी डॉट प्रोडक्ट है। क्यों प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर है और फाइनल आंसर में हमारे पास स्केलर था, इसलिए हम कहते हैं इसे द स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, प्रोडक्ट ऑफ ए इनटू बी एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इसके बाद हमारे पास आता है कंडीशंस। कंडीशन में क्या है, सबसे पहले कंडीशन फॉर एग्जांपल हमारा ए पैरेलल टू बी है, तो उसका
मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगी वो होगी 0 डिग्री। तो अब 0 डिग्री से पुट करेंगे, अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं ए बी टू कॉस 0 डिग्री, तो हमें पता है कि कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो फाइनल क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1 0 अंडरस्टूड हो गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। क्या मतलब है 90 डिग्री, मैं इधर देख रहा हूँ 90 डिग्री। तो इधर हम ए बी कॉस 90, कॉस 90 किसके बराबर है, 0 के। अगर ये नंबर 0 हो गया तो टोटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसका मतलब ए डॉट बी का एक परपेंडिकुलर आर इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स थे उनकी वैल्यू डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई एम टू आई जे इंटू जे के इंटू के हमेशा 1 के बराबर होते हैं, और आई एम टू जे और जे इंटू के हमेशा और के इंटू आई हमेशा 0 के बराबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में। और लेकिन जो हमारे पास आगे पढ़ेंगे हम, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास आज की लास्ट टॉपिक है द क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो मेन मतलब क्या है कि हमारे पास वेक्टर है, जब हमारे पास दो वेक्टर की प्रोडक्ट होती है और फाइनल आंसर भी वेक्टर ही आए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। जब दो वेक्टर की प्रोडक्ट में फाइनल आंसर भी वेक्टर ही आए उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टाउ का, टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, आर इंटू एफ मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। तो मोमेंट आर्म क्या है, डिस्टेंस, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, एफ फोर्स वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद क्या है, जो टाउ है, टाउ जो है ये हमारे पास आर इंटू एफ इज इक्वल टू टाउ। तो टाउ जो हमारे पास टॉर्क है, हमें ये पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हम इन दोनों के बीच में हमेशा क्रॉस ही देते हैं, इसी वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट भी हम इसको। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो है सी इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट ऑफ बी एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसमें आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के हमेशा 0 के बराबर होता है, वेरेज हमने जो डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था कि ये आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के हमेशा 1 के बराबर होता है, लेकिन इसमें क्या 0 के बराबर है। उसके बाद आई आई इंटू के जो है आई इंटू जे के बराबर है, जे इंटू के आई के बराबर है, और के इंटू आई जो है वो जे के बराबर है, ये उसकी कंडीशन है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन